कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में दोस्तों आज हम क्लास टेंथ का मैथ मैट्रिक्स का वर्कशीट नंबर थर्टीन करने जा रहे हैं तो आइए दोस्तों चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों की क्वाडिटिक्वेश्स मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है जहाँ ए बी एंड सी जो रियल नंबर होता है तो दोस्तों हम की क्वाडिटिक्वेश्स किसे कहते हैं तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मतलब जिसमें स्क्वायर लगा हुआ और जिसका ए बी और सी जो रियल नंबर हो और ए नॉट इक्वल जीरो ए कभी जीरो नहीं होता हो तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है देखिए दोस्तों यहाँ जो ना कुछ क्वेश्चन है इसके उसके सॉल्यूशंस मैंने अपने हाथों से किया है दोस्तों तो आप उसे देख सकते हैं जैसे को और बाकी ये सारे वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं आप तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है ट्राई योर राइट थर्टी

डी नंबर है जीरो कन्वर्ट इन इंटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट इज थ्री एंड देयर द प्रोडक्ट इज टू सेवेंटी तो आइए दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस ट्राई योर सेल्फ में इस सब इस ये आपको सॉल्व करके आपको अपने टीचर्स को भेजना है वर्कशीट तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैंने हाँ किया है और इसे आपको सिर्फ उतारना है दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ क्या जैसे पहले का आंसर है थी थर्टी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स तो इसको आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आना है ठीक है लेफ्ट एले साइड और माइनस है तो प्लस एलेवन एक्स प्लस और प्लस थर्टी हो जाएगा तनाव तो इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया दोस्तों अब देखिए आंसर क्वाडिटिक क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या था दोस्तों जैसे द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक जब उसका डिग्री टू होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है फोलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे जो दिए गए इस समय से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि उसका स्क्वायर दो है उनका घात दो है और तो आइए दोस्तों जैसा कि देखते हैं ए नंबर एक्स स्क्वायर से माइनस सेवेंटी नाइन तो ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस वन तो इसको इस तरह से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवेंटी नाइन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो माइनस नाइन एक्स माइनस एटी इक्वल टू ज़ीरो क्वाडिटिक्वेसन नहीं है दोस्तों और अब बी क्वेश्चन देखते हैं ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो ये क्वाडिटिक्वेसन है तो थ्री एक्स स्क्वायर सी नंबर है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस फोर्टीन इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स बच जाएगा दोस्तों तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस फोर्टींस इक्वल टू जीरो क्वाडिटिक इक्वेशन है दोस्तों अब डी नंबर देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस एटींस इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या था इसे हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज थ्री एंड देयर द प्रोडक्ट इज टू सेवेंटी इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था तो आई मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट इक्वल टू थ्री एंड द थर्ड क्वाड्रेंट इंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटू सेकेंड क्वाड्रेंट इक्वल टू टू सेवेंटी तो लेट्स सेकेंड डिजिट बी एक्स हमने सेकेंड डिजिट को एक्स मान लिया इसीलिए आई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री तो आई इक्वल टू थ्री ये माइनस एक्स है तो राइट सा, हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस एक्स तो फर्स्ट डिजिट इज़ द थ्री प्लस एक्स हो गया उसका थ्री प्लस एक्स को मल्टीप्लाई हम एक्स से कर देंगे इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा दोस्तों जैसे लेट सेकंड डिजिट हमने एक्स माना तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री एक्स प्लस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू टू सेवेंटी तो थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सेवेंटी तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू सेवेंटी इक्वल टू जीरो तो दोस्तों अगर आप ये आपका आंसर है इस तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाद दोस्तों